शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं। अगर वो बीजेपी में नहीं आते तो शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये बात बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली में कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कभी राजनीति में कड़वा घूंट पीना पड़ता है। देखिए खास रिपोर्ट। सांवेर विधानसभा की चुनावी बारात में दूल्हा बने हैं कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और इस बारात को मैनेज कर रहे हैं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने बयानों के बाहुबली भी कहलाते हैं। सांवेर विधानसभा की वर्चुअल रैली में सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। इस दौरान विजयवर्गीय ने सीएम शिवराज की तारीफ तो की, लेकिन ये एहसास भी करा दिया कि अगर शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो सिंधिया और तुलसी सिलावट की वजह से। अगर ये बीजेपी का दामन नहीं थामते तो शिवराज मुख्यमंत्री ना होते। आज सारे प्रदेश के अंदर किसानों में इस बात की तसल्ली है कि किसानों का नेता, नौजवानों का नेता, बच्चों के मामा, महिलाओं के भाई, इस प्रदेश के संरक्षक अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनने के बाद प्रदेश की जनता निश्चिंत है। कांग्रेस की तुलसी अगर बीजेपी के अंगने में उगाए तो भला कार्यकर्ताओं को कैसे भाए, इसका उदाहरण भी कैलाश ने बखूबी दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यही तो राजनीति है, कभी कभी समाज सेवा के लिए कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। तुलसी सिलावट की फौज की वजह से शिवराज मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए सांवेर चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है। पर कैसे बने शिवराज जी मुख्यमंत्री? मित्रों, सांवेर के सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, यदि तुलसीराम जी सिलावट के नेतृत्व में ये कांग्रेस के विधायक हमारे साथ नहीं आते, सिंधिया जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस के विधायक हमारे साथ नहीं आते, तो क्या शिवराज जी मुख्यमंत्री बन सकते थे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, क्या बन सकते थे क्या शिवराज जी मुख्यमंत्री? नहीं बन सकते थे ना? यदि आज शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं तो कांग्रेस के बहुत सारे बंधुओं ने उस धोखेबाज सरकार को टाटा बाय बाय करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। शिवराज जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चले, इसके लिए बहुत जरूरी है ये उपचुनाव। मैं जानता हूं मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी कभी कभी लगता है, आपको भी लगता होगा कि जिस कांग्रेस के लोगों के साथ हम लड़ाई लड़ते रहे उसके लिए हम कैसे काम करेंगे। मित्रों, राजनीति इसी को कहते हैं, कभी कभी कड़वा घूंट पी कर भी समाज सेवा करना पड़ती है। बीजेपी कार्यकर्ता कैसे इस कड़वे घूंट को पीते हैं, ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिवराज को हमेशा एहसास दिलाते रहेंगे कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो सिंधिया की देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सांवेर।